कैसे करे भैया, पीछा करने से कुछ नहीं होगा। कैसे रोकवाए? गाड़ी नंबर भी नहीं है। आवाज नहीं सुनाई देता होगा ना उसको। रायगढ़ के कोथल रोड थाना पुलिस व गौ रक्षकों ने गौ तस्करों के चंगुल से छुड़ाया 8 गायों को। रायगढ़ के कोथल रोड थाना पुलिस व गौ रक्षकों ने गौ तस्करों के चंगुल से 8 गायों को मुक्त करवाया। पुलिस को देख गौ तस्करों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान गौ तस्करों की गाड़ी को गौ रक्षकों ने पकड़ लिया, किंतु अंधेरे का फायदा उठाकर एक गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मिली जानकारी अनुसार गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि गौ तस्कर चपले से जसपुर की ओर खरसिया होते हुए एक गाड़ी में गौवंश भर कर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही गौ रक्षक और पुलिस की टीम गौ तस्करों को पकड़ने के लिए रवाना हुई। गौ रक्षकों को एक पिकअप रात करीब 1:30 बजे आती दिखी। जैसे कि तस्करों को शक हुआ, वे अपनी गाड़ी को तेज भगाने लगे, जिसके बाद गौ रक्षकों ने गाड़ी का पीछा कर गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया और तभी सामने से पुलिस ने तस्करों की गाड़ी का रास्ता रोक लिया। गौ तस्करों ने पुलिस को देख पिकअप को बैक करने का प्रयास किया, तभी पीछे से गौ रक्षक आ गए, जिसे गाड़ी का रास्ता रुक गया। एक गौ तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया, किंतु पुलिस और गौ रक्षकों ने एक गौ तस्कर को पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 8 गाय भरी हुई थी। गौ तस्करों ने मवेशियों के चारों पैरों को रस्सी से बांधकर गायों को क्रूरतापूर्वक गाड़ी में ठूस रखा था। इसके बाद गौ रक्षकों ने मवेशियों से भरे पिकअप वाहन को कोतरा रोड थाने लाकर कोतरा रोड पुलिस के हवाले कर दिया है। गौ रक्षकों ने सभी मवेशियों के पैरों में बंधे रस्सियों को काट कर सभी 8 गायों को मुक्त किया। सभी मवेशी भूख और प्यास से व्याकुल थे, जिन्हें खाना और पानी खिलाया गया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही गायों को गौशाला भिजवा दिया गया है। क्या है, अपने को 2-4 हफ्तों से मतलब पता चल रहा था कि यहाँ से ऐसे गाय को बांध के पिकअप में मतलब बुरी तरीके से एकदम मतलब कुछ वस्तु कुछ सामान है जैसे लेके जाया जाता है, अगर यहाँ से ले जाते हैं घर के इस रास्ते से। ये अपना ये NH रोड है, जो सीमेंट फैक्ट्री जिंदल वाले फैक्ट्री से सीधे कोसमपाली होते हुए जिंदल का जो फाटक है कलमी फाटक, वहाँ से पार करते हैं करके अपने को पता चला था। कुछ लोग बताए थे हम लोग को, तो हम लोग करीब 3-4 हफ्ते से यहाँ मतलब अपन नज़र जमाए हुए थे। उसके बाद में हम लोग को 3 हफ्ते में तो मतलब ऐसा होता था कि हम लोग नहीं पकड़ पाते थे, पर आज क्या हुआ, एक गाड़ी हमारे सामने से पार हुई, हम लोग उसके पीछे दौड़े, हम लोग दौड़ाए। उसके बाद में फाटक बंद करके रखे तो तुरंत गाड़ी मोड़ के लेके चले गए। उसके बाद क्या हुआ, एक और गाड़ी आई जो अपने अपन के सामने आए, उसको रोके और देखे।